ऑल राइट गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। और मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ टॉप 5 गेम्स इन 2024 फॉर पीसी। और ये गेम्स काफ़ी अच्छी होने वाली है, गेम्स के ग्राफिक भी काफ़ी मज़ेदार होने वाले हैं एंड खेलने भी आपको बहुत मज़ा आएगा। और ये गेम स्टीम के ऊपर है तो आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं हमारी पहली गेम से। ओके गाइस, तो ये होने वाली है हमारी पहली गेम जिसका नाम है बैटल टाइम्स 2। जी हाँ गाइस, आपको नाम से पता लगे कि होगा गेम बैटल रॉयल होने वाली है। गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग है, गेम के ग्राफिक्स भी काफ़ी ही अच्छे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्राफिक है। गेम के अंदर बैटल रॉयल होने वाला है, बहुत ही अच्छे अच्छे वेपन्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, काफ़ी अलग अलग मैप्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे और मैप्स भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल है। आप अपनी गन्स को अपग्रेड कर सकते हो, अपने करेक्टर को अपग्रेड कर सकते हो। इसमें TDM मैच भी होने वाला है तो आपको वो भी बहुत मज़ा आएगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग है भाई। करेक्टर्स देखने में भी काफ़ी बढ़िया लगते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कैरेक्टर कितने कूल बना रखे हैं, गन की स्किन्स भी काफ़ी अच्छी हैं। तो आप लोग जाके इस गेम को स्टीम पे डाउनलोड करो, ट्राई करो, गेम बहुत अच्छी है। ऑल राइट गाइस, तो चलते हैं हमारी सेकेंड गेम की तरफ जिसका नाम होने वाला है पपेट मास्टर द गेम। ऑल राइट गाइस, तो बात करें इस गेम की, गेम ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, गेम थोड़ी हॉरिफाइक होने वाली है तो बहुत मज़ा आएगा आपको गेम को। और गेम मल्टीप्लेयर भी है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इस गेम को खेल सकते हो। बेसिकली गेम के अंदर कुछ पपेट्स होते हैं जिनके थ्रू आपको इस गेम को खेलना है एंड उन्हीं के इर्द गिर्द पूरी गेम की स्टोरी है। जो इसमें पपेट्स होंगी उनको ही आप कंट्रोल करोगे एंड उनसे ही आप गेम खेलोगे, तो बहुत मज़ा आएगा गेम में, बहुत ज़्यादा ही फन होने वाला है गेम हॉरर के साथ साथ, तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। गेम फ्री टू प्ले है, आप जाके स्टीम से डाउनलोड कर सकते हो। ग्राफिक भी गेम के काफ़ी अच्छे हैं तो ज़रूर ट्राई करना, मैं तो कहूँगा भाई ट्राई करो, फ्री टू प्ले तो कर ही लो, बहुत मज़ा आएगा गेम में। ठीक है, ऑल राइट गाइस, तो अब चलते हैं हमारी थर्ड गेम की तरफ। ये गेम भी काफ़ी मज़ेदार है और काफ़ी अच्छी है ग्राफिक वाइज भी। तो बात गेम का नाम होने वाला है रेनबो सिक्स। ऑल राइट गाइस, तो ये गेम भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़ेदार है। गेम में कॉन्सेप्ट ये है कि 5v5 का मैच होने वाला है इसके अंदर, 5 प्लेयर सामने एंड थोड़ा सा गेम का कॉन्सेप्ट आप मान सकते हो हमारी क्या कहते हैं काउंटर स्ट्राइक से थोड़ा सिमिलर है, क्योंकि जैसे उसमें दिखाते काउंटर स्ट्राइक में एक टीम तो टेररिस्ट की होती है और एक टीम पुलिस वालों की, तो ऐसे कुछ होने वाला है। गेम बहुत हार्ड होने वाली है बेसिकली बताओ, क्योंकि मैं गेम ट्राई कर चुका हूँ, गेम भाई बहुत हार्ड है, बहुत मुश्किल होता है इसमें सामने वाले एनिमी को मारना, क्योंकि इतना खतरनाक इसमें दे रखा है ना भाई, इतना रियलिस्टिक इसमें कॉन्सेप्ट दे रखा है कि बहुत हार्ड है भाई सीरियसली। क्योंकि गेम जब शुरू होगी तो आपको शुरू में थोड़ा बहुत ट्यूटोरियल दिया जाएगा एंड सीधा आपको मैच में उतारा जाएगा, जाओ खेलो, तो ऐसा कुछ सीन होने वाला है भाई। लेकिन हाँ, गेम अगर आप सीख जाओगे तो गेम में आपको काफ़ी मज़ा आएगा, गेम बहुत मज़ा आएगा भाई लिटरली। और अब तो इसमें गेम में नए नए अपडेट्स भी आए हैं और कुछ नए नए मैप्स भी आए हैं तो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है गेम, तो आप लोग जाके जरूर ट्राई करना। स्ट्रीम पे आपको मिल जाएगी रेनबो सिक्स, जैसे आप सर्च करोगे आपके सामने आ जाएगी गेम, जाओ जाके डाउनलोड करो एंड बाय। ऑल राइट गाइस, तो चलते हैं हमारी फोर्थ गेम की तरफ जिसका नाम है मैन एंड लॉर्ड्स। और ये गेम काफ़ी मज़ेदार है, गेम के ग्राफिक्स भी बहुत अच्छे और गेम अभी रिसेंटली आई है तो और भी अच्छी होने। ओके, तो बात करें इस गेम की, गेम काफ़ी ब्यूटीफुल होने वाली है, गेम की ग्राफिक भी काफ़ी अच्छी है और गेम अभी रिसेंटली आई है तो और भी ज़्यादा ही अच्छे ग्राफिक्स के साथ आई है। एंड गेम में बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है, जैसे हमारी माइनक्राफ्ट होती है या जैसे हमारी CS:GO है, उसमें हमें अपना बेस बनाना पड़ता है, अपने बेस को तैयार करना पड़ता है, या हमारी सिटी स्काईलाइन जैसी गेम हो गई जिसमें हमने अपनी एक पूरी एक दुनिया बनानी है, एक शहर बनाना है एंड उसके अंदर लोग आएंगे और वहाँ रहेंगे और इस बीच में आपके ऊपर दूसरी बेस वाले हमला कर सकते हो, आपको उनसे ही बचना है, अपने अपने बेस को बचाना है, अपनी जगहों को बचाना है और इसमें प्रोग्रेस करना है धीरे धीरे और अपना बेस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो काफ़ी अच्छी है गेम, ग्राफिक्स भी भाई सीरियसली बहुत अच्छे हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल गेम है, आप लोग जाकर ज़रूर ट्राई करो, स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है गेम। ऑल राइट गाइस, तो अब हम पहुंच चुके हैं हमारी फिफ्थ गेम की तरफ, लेकिन आपको फिफ्थ गेम का नाम बताने से पहले आप लोगों से एक छोटे से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ 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 जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दो,
शेयर कर दो इस वीडियो को एंड कमेंट कर दो कैसी लगा आपको वीडियो, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना, बिकॉज अगर आपको मेरी कोई भी नई वीडियो आती है तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। और बहुत से लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर तो रखा है लेकिन नोटिफिकेशन ऑन नहीं करी है, तो होता क्या है कि मैं लाइव आता हूँ या मेरी वीडियो कोई भी आती है तो उनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँचती है, तो इसलिए कहता हूँ कि नोटिफिकेशन ऑन कर लो तो कर लो। अब चलते हैं हमारी फिफ्थ गेम की तरफ जिसका नाम है नरेका ब्लेड पॉइंट, और ये गेम फ्री टू प्ले होने वाली है। तो चलो ऑल राइट गाइस, तो बात करें इस गेम की, ये गेम भी काफ़ी अच्छी है, ग्राफिक वाइज तो गेम है ही बहुत ही प्यारी गेम है, और ये गेम मैं पहले भी खेल चुका हूँ, काफ़ी मज़ा आया था जब मैंने खेली थी, तब ये लॉन्च ही हुई थी, रिसेंटली आई थी एंड तब मैंने गेम खेली थी, तो गेम काफ़ी अच्छी है गाइस, मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको मज़ा आ जाएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल गेम है, बहुत ही ब्यूटीफुल, इसमें आपको मैप दे रखा है, गेम पुराने टाइम पे बेस्ड है, थोड़ा देख सकते हो आप जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, गेम के अंदर आप मतलब बेसिकली आप समझ लो थोड़ा बैटल वाली गेम है, काफ़ी मज़ा आने वाला है, बैटल वर्ल्ड गेम को आपको एक पुराने वे में उतार के दे दिया है कि पुराने ज़माने वाला, तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होने वाला, गेम बहुत प्यारी है गाइस, गेम बहुत बहुत प्यारी है। अब सोच सुन लो मैं कैसे तारीफ कर रहा हूँ इस गेम की, तो सोचो भाई कितनी अच्छी गेम, काफ़ी अच्छी अच्छी आपको फाइट्स देखने के लिए मिल जाएगी, काफ़ी अच्छी इसमें आपको अपने करेक्टर्स देखने के लिए मिल जाएगा, कोई भी करेक्टर्स चुन सकते हो एंड हर एक करेक्टर के पास उसकी एक खतरनाक एबिलिटी है जिसके थ्रू आप अपने सामने वाले एनिमी को पेल सकते हो, एंड इसमें जो सामने बंदे होंगे वो भी काफ़ी डेंजरस होने वाले, तो गाइस ज़रूर ध्यान से खेलना, बहुत मज़ा आएगा गेम को, गेम स्ट्रीम पे अवेलेबल है, गेम फ्री टू प्ले है जैसा कि मैंने बताया, तो आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हो, बहुत मज़ा आएगा आपको, एंड कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी गेम। तो ओके गाइस, तो ये थी हमारी टॉप 5 पीसी गेम्स जो आप डाउनलोड कर सकते हो, एंड काफ़ी अच्छी गेम्स हैं ये, काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स के साथ हैं, तो आपको ये सारी गेम स्टीम पे अवेलेबल मिल जाएगी, जाओ जाकर डाउनलोड करो, एंड कैसी लगी आपको ये गेम्स ज़रूर कमेंट में बताना, एंड नए हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ख्याल रखो अपना एंड एन्जॉय द गेम्स।